गाइस वेलकम टू द गैदर्ड शो एंड आज चलिए बात कर लेते हैं इवोल्यूशन एक्स 4.7 रॉम के बारे में। अगर डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो ये एक एंड्रॉइड 10 बेस्ड रॉम है, वर्जन है 4.7, ये एक ऑफिशियल बिल्ड है एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिक्योरिटी पैच है एकदम से लेटेस्ट 5 सितंबर 2020 एंड ये रॉम बेस्ड है पर्फ कर्नल पर। गाइस यूआई की बात करें तो यूआई यहाँ पे एक्सट्रीमली स्मूथ है, कोई भी फ्रेम ड्रॉप या फिर मेजर फ्रेम लैग हमें देखने को नहीं मिलता, एनिमेशन भी काफ़ी स्मूथ है एंड रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप सभी को पता है पिक्सल लॉन्चर यूज़ किया गया है तो हम लोग होम स्क्रीन सेटिंग में अगर आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं ज़्यादा कोई कस्टमाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। नेविगेशन जेस्चर के साथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये कंपैटिबल है। तो चलिए गाइस जल्दी से बात कर लेते हैं इसके क्यूएस पैनल के बारे में। तो QS पैनल के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे टिपिकल टाइल्स एकदम अच्छे से काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टाइल्स के बारे में। तो एक्स्ट्रा टाइल्स में हमें यहाँ पे कैफीन मोड, गेम मोड एंड ऑल्सो यहाँ पे हमें डीसी डिमिंग के लिए भी टाइल देखने को मिल जाता है। रियल टाइम FPS काउंटर का भी एक टाइल है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं तो। ऑल्सो आपको यहाँ पे स्विच डेटा कार्ड के साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइल्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि नियर बाई शेयरिंग एंड ऑल्सो यहाँ पे इन्वर्ट कलर कॉम्पास के लिए भी टाइल्स प्रोवाइडेड हैं। कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए भी टाइल्स है जैसे कि म्यूजिक एंड डेटा सेवर। ऑल्सो स्मार्ट पिक्सल्स के लिए भी यहाँ पे एक टाइल प्रोवाइडेड है, ये बेसिकली एक फीचर है जो कि आपकी स्क्रीन के कुछ पिक्सल्स को टर्न ऑफ कर देता है इन ऑर्डर टू सेव बैटरी, जो कि काफी हेल्पफुल साबित होता है बैटरी को सेव करने के टाइम। अगर स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर हमें OnePlus का देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप रेजोल्यूशन, बिट रेट, नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड ऑडियो सोर्स के साथ साथ वीडियो ओरिएंटेशन को भी सेट कर सकते हैं। काफी फीचर रिच स्क्रीन रिकॉर्डर है, लेकिन जो डाउट सभी को रहता है कि गेमिंग के टाइम में कितना FPS ये रिटर्न करता है, तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने के बाद फ्रेम रेट में थोड़ा सा डिक्लाइनेशन आ सकता है, तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और जो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं सेटिंग्स के बारे में एंड बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कि इस अपडेट के साथ साथ हमें कौन कौन से चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस कुछ बातें मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि एंड्रॉइड 11 एक्चुअली ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है एंड पिक्सल्स को OTA अपडेट रिसीव होना भी स्टार्ट हो चुका है, तो वैसे ही कस्टम रॉम्स भी हम लोग कुछ दिनों से ही देखना स्टार्ट कर लेंगे। तो सारे डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड है एंड्रॉइड 11 के रॉम्स को लेकर, तो इसीलिए एंड्रॉइड 10 के जो एक्जिस्टिंग कस्टम रॉम्स है उनमें कोई ड्रास्टिक चेंज हमें और देखने को नहीं मिलेगा। सारे जो एक्साइटिंग चेंजेस है वो हमें एंड्रॉइड 11 के कस्टम रॉम्स के साथ साथ देखने को मिल जाएंगे। तो सो इवोल्यूशन एक्स के इस अपडेट में भी हमें कुछ सटल चेंजेस देखने को मिल चुके हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कोई भी मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बात कर लेगा द इवॉल्वर मेन्यूज के बारे में। तो बेसिकली इवॉल्वर मेन्यू इवोल्यूशन एक्स का कस्टमाइजेशन सेंटर है जो बेसिकली आप सभी को पता है। यहाँ पे तो थीम्स में अगर हम लोग आ जाए तो एक्सेंट कलर, डार्क थीम्स और टिपिकल मेन्यूज यहाँ पे होते हैं सब आपको देखने को मिल जाएंगे एंड एकदम अच्छे से काम भी करते हैं। QS स्टाइल, स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं एंड न्यू फीचर है QS स्टाइल डिस्को, इसे भी आप एनेबल कर सकते हैं। इसे अगर हम लोग एनेबल कर देते हैं तो हम लोग देख सकते हैं जो QS पैनल है उसके सारे आइकन्स जो है मल्टीपल कलर्स के हो जाएंगे, जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग है देखने में। और जो आपको यहाँ पे पैनल ओपेसिटी चेंज करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है एंड ब्लर अल्फा एंड ब्लर इंटेंसिटी को भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर बात कर ले स्टेटस बार के बारे में, यहाँ पे क्लॉक ऑप्शन, बैटरी बार, कैरियर लेवल जैसे ऑप्शंस अवेलेबल है एंड ऑल्सो आप यहाँ पे बैटरी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, आइकन को भी अपने हिसाब से कन्फिगर कर सकते हैं। ऑल्सो आप यहाँ पे वो वाईफाई आइकन को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा वोल्टी आइकन्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि है रिसेंटली ऑक्सीजन OS 10 का जो वोल्टी आइकन है वो भी आपको इस अपडेट के साथ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें नोटिफिकेशन के बारे में तो हेड्स अप नोटिफिकेशन, पल्स ऑन, ऑलवेज ऑन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं एज स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो यहाँ पे एज लाइटिंग भी अवेलेबल है। अगर बात करें यहाँ पे क्विक सेटिंग्स के बारे में तो क्विक सेटिंग्स में स्मार्ट पुल डाउन जैसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं एंड कलम्स एंड रोज में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में कितने टाइल्स अवेलेबल होंगे वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में एंड्रॉइड आर स्टाइल नोटिफिकेशन पैनल को ऑन करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो क्वाइट अ बिट इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अगर बात कर ले जेस्चर्स के बारे में तो क्विक टॉर्च से स्टार्ट करके AOS पे जेस्चर कॉन्फिगर करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लास्ट अगर बात कर ले मिसलेनियस के बारे में तो मिसलेनियस में आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, स्मार्ट पिक्सल्स का जो ऑप्शन है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन को भी ऑन कर सकते हैं एंड एम्बिएंट डिस्प्ले के ब्राइटनेस को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, जैसे कि नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे कॉलिंग एब्सोल्युटली फाइन है, वाईफाई को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टी वीडियो कॉल के साथ साथ जो वाईफाई कॉलिंग फीचर है दोनों ही प्रॉपरली वर्किंग है, तो ये सारे एकदम प्रॉपरली हमें वर्किंग देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए जल्दी से कॉल करके टेस्ट आउट कर लेते हैं कि कॉलिंग फीचर यहाँ पे हमें कैसा देखने को मिल जाता है। हाय, वेलकम टू जी।
सुरक्षित। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलिंग फीचर यहाँ पे एकदम ब्रिलियंटली वर्किंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिगार्डिंग द कॉलिंग। ब्लूटूथ भी एकदम अच्छे से काम करता है यहाँ पे। एंड अगर बात कर ले बैटरी को लेकर, तो बैटरी लाइफ में मुझे यहाँ पे आराम से 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल गया थैंक्स टू द पर्फ कर्नल जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। तो आपको भी एक ब्रिलियंट बैटरी लाइफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मॉडरेट यूसेज पर। ऑल्सो स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। एंड यहाँ पे आप डिजाइन बैटरी कैपेसिटी, करंट बैटरी कैपेसिटी जो कि कर्नल बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करता है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे अगर बात कर ले डिस्प्ले मेन्यू के बारे में, तो डिस्प्ले मेन्यू में टिपिकल सारे यहाँ पे जो ऑप्शन है एकदम अच्छे से प्रोवाइडेड है एंड वर्किंग भी है। आपको यहाँ पे एंटी फ्लिकर मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड स्मॉलेस्ट बिट जो कि डीपीआई सेटिंग है उन्हें भी आप ट्वीक कर सकते हैं। अगर बात कर ले साउंड के बारे में, तो साउंड एकदम प्रॉपरली वर्किंग है यहाँ पे, कॉलिंग वॉल्यूम भी एकदम अच्छे से काम करता है। एंड लास्टली आपको यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप यहाँ पे हाईफाई ऑडियो को एनेबल कर सकते हैं एंड यहाँ पे आप डिफॉल्ट हेडफोन के जो इक्विलाइजर हैं उन्हें भी ट्वीक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लास्टली अगर हम लोग बात कर ले सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी में बायोमेट्रिक्स में हम यहाँ पे फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों ही देखने को मिल जाता है। एंड एज स्टैंडर्ड पिन पैटर्न पासवर्ड भी एकदम प्रॉपरली अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू द फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट को लेकर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिसेंट स्पीड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट को लेकर। और जो अगर हम लोग बात कर ले फेस अनलॉक के बारे में, तो फेस अनलॉक भी इंप्रूव हुआ है यहाँ पे इस अपडेट के साथ। आपको दोनों में ही इंप्रूव स्पीड देखने को मिल जाएंगे, फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट दोनों ही काफी ज्यादा फास्ट यहाँ पे हो चुके हैं। अगर सिस्टम मेन्यूज के बारे में बात कर ले, तो सिस्टम मेन्यू में आपको सिस्टम अपडेटेड देखने को मिल जाता है, जो बेसिकली काफी ज्यादा हेल्प करता है आपको फ्यूचर अपडेट को रिसीव करने के टाइम। और जो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा, साउंड इफेक्ट्स एंड जेस्टर्स के मेन्यू भी देखने को मिल जाएंगे, ये सेम जेस्टर्स के मेन्यू आपको द इवॉल्वर सेटिंग में भी देखने को मिल जाते हैं। और जो हाँ, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे आप अपने लॉक स्क्रीन के एफओडी स्टाइल एंड एफओडी एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं द इवॉल्वर मेन्यू से, जो कि मैं आप सभी को भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट आइकन, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन को भी चेंज कर सकते हैं, काफी सारे एनिमेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। कैमरा एप्लीकेशन की बात कर ले, तो हमें यहाँ पे एक कस्टमाइज्ड Enix कैमरा देखने को मिल जाता है एज यूजुअल। एंड ऑल्सो जो UI है वो भी पुराना MIUI 11 का ही है। और जो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड, अल्ट्रा पिक्सल जो कि 48 मेगापिक्सल मोड, सारे जो फीचर्स है एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। नाइट मोड भी यहाँ पे है, लेकिन अभी के कोई भी न्यू फैंसी फीचर जैसे कि क्लोन मोड या फिर AI वाटरमार्क मोड, ये सब हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट यहाँ पे वीडियो में कोई भी व्लॉग मोड भी नहीं है। सुपर स्टडी मोड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, अप टू 4K60 वीडियो भी एकदम अच्छे से ही रन करता है। तो कैमरा को रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कोई फैंसी वैसे फीचर्स यूज करते हैं जो MIUI 12 के कैमरा के साथ इंट्रोड्यूस किया गया है। सो यहाँ पे आपको गूगल रिकॉर्डर एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली अपडेटेड नहीं है, यहाँ पे जस्ट आपको साउंड रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। ये एकदम प्रॉपरली वर्किंग है जैसा कि आप देख सकते हैं। इन जनरल इस एप्लीकेशन का जो साउंड प्रोसेसिंग एल्गोरिथम है वो एकदम ऑन पॉइंट है, क्योंकि ये जो साउंड कैप्चर करता है वो कोई भी और रिकॉर्डर ऐसा साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया है, अभी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। ऑल्सो ये एप्लीकेशन इतना स्मार्ट है कि ये समझ जाता है कि आप स्पीच प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी टाइप का म्यूजिक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो साउंड को एनालाइज भी ये रियल टाइम में करता है। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। हे वेलकम टू द गैजेट शो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे रियल टाइम में चल रहा है। ऑल्सो ये समझ जा रहा है कि मैं इसे स्पीच बता रहा हूँ। अगर आप म्यूजिक के सामने इसे प्ले करेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक भी आ जाएगा, तो इतना स्मार्ट है ये रिकॉर्डर। नेक्स्टली चलिए बात कर लेते हैं नेटिव रूट चेकर के बारे में। तो नेटिव रूट चेकर में से लिनक्स स्टेटस को छोड़ के जितने भी पैरामीटर्स है सबके रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी एक अमेजिंग बात है। यहाँ पे अगर बात कर ले DRM इन्फो के बारे में, तो यहाँ पे वाइड वाइन सेटिंग का जो सिक्योरिटी लेवल है वो हमें L1 देखने को मिल जाता है। इसका मतलब यही होता है कि आप किसी भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज को फुल HD में कंज्यूम कर पाएंगे। ऑल्सो नेटफ्लिक्स भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो अगर आप नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते हैं तो प्ले स्टोर में डायरेक्ट आपको वो अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। एंड लास्टली अगर बात कर ले सेफ्टी नेट स्टेटस के बारे में, तो यहाँ पे हमें सेफ्टी नेट स्टेटस पास्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी एक अमेजिंग बात है। सो ओवरऑल इस बार का अपडेट आई वुड से कि यहाँ पे कोई मेजर अमेजिंग चेंजेस तो हमें देखने को नहीं मिले, काफी सटल चेंजेस थे, जैसे कि ऑक्सीजन विस्टन का आइकन ऐड होना, देन यहाँ पे एंड्रॉइड आर स्टाइल नोटिफिकेशन, देन स्नैपकैम का रिमूव होना एंड बाकी जितने भी सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन थे जैसे कि पॉपअप कैमरा का स्पीड, ये सब कुछ इंप्रूव होना। तो एकदम सटल चेंजेस थे जो कि आपके एक्सपीरियंस को ज्यादा इंप्रूव करेंगे, लेकिन सारे जो मेजर चेंजेस है आई गेस वो सब रिजर्व है एंड्रॉइड 11 के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, आपको कुछ दिनों में ही एंड्रॉइड 11 के कस्टमर मिलने भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर गेमिंग
परफॉर्मेंस की बात कर ले तो मैंने यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को खेल कर देखा है, यहाँ पे डिसेंटली अच्छा हमें गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्सटेंसिव गेमिंग पीरियड में डिवाइस थोड़ा वार्म हो जाता है एंड फ्रेम ड्रॉप्स भी हम लोग नोटिस कर सकते हैं। ऑल्सो जो हार्ड कोर गेमर्स हैं एंड जो कंपिटेटिव लेवल में गेमिंग करते हैं उन सभी के लिए एकदम से टॉप नॉच परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ऑल थैंक्स टू द पर्फ कर्नल जो कि आपको एक परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करता है डिसेंट परफॉर्मेंस एंड एक अच्छे बैटरी लाइफ में। एक डिसेंट बैटरी लाइफ के लिए परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डक डाउन करना पड़ता है, तो इफ यू आर ओके विद दिस देन आप इसे स्टॉक कंडीशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन एनीवेज इसमें कस्टम कर्नल भी सपोर्ट करते हैं, तो अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो आप किसी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कस्टम कर्नल को यहाँ पे फ्लैश कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा परफॉर्मेंस मिले। ऑल्सो मैंने यहाँ पे गीकबेंच कोर को भी रन किया है, तो गीकबेंच कोर में मुझे यहाँ पे सिंगल कोर में मिला है 683 एंड मल्टी कोर में मिला है 2586 जो कि डिसेंटली गुड स्कोर है, लेकिन नो वे ये कोई टॉप नॉच कैटेगरी में नहीं आता। तो कीप इन माइंड स्टॉक कंडीशन में अगर आपको यूज करना है तो, या अगर मॉडरेट गेमर है या फिर कैजुअल यूजर है तो आप जरूर से यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्डकोर गेमर्स को शायद से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए गाइस जल्दी से देख लेते हैं इस रॉम को अपने डिवाइस पर इंस्टॉल कैसे करें। इस रॉम को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को साइमल्टेनियसली प्रेस करके हमारा जो फोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। एकदम फर्स्ट में गाइस यहाँ पे वाइप सेक्शन में आ जाएंगे, डाल दी कैश सिस्टम वेंडर डेटा, इन पांचों को यहाँ पे वाइप कर लेंगे एंड वाइप कंप्लीट हो जाने के बाद एकदम जल्द से यहाँ पे एकदम से लेटेस्ट मी यूआई वेंडर को भी फ्लैश कर लेंगे। गाइस हम लोग रॉम सिप को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड फ्लैश कर देंगे। तो गाइस हो चुका है रॉम सक्सेसफुली फ्लैश, यहाँ पे एफक्रिप्ट डिसेबलर के जिप फाइल को भी हम लोग फ्लैश कर देंगे। ये हो जाने के बाद एकदम जल्दी से रिबूट सिस्टम का ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। रॉम हो चुका है सक्सेसफुली स्टार्ट, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर लेंगे, देन किसी भी एक नेटवर्क में कनेक्ट होकर जो बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ये सब हो जाने के बाद हमारा जो रॉम है एकदम से रेडी हो जाएगा डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज गाइस टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।